पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस मामलों में जारी गिरावट का दौर थम गया है। बुधवार सुबह जारी आंकड़ों में मंगलवार के मुकाबले 10,000 से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर से कोरोना वायरस के 37,593 नए मामले सामने आए थे। मंगलवार को नए मामलों की संख्या 25,467 रही थी। बुधवार के आंकड़ों में 648 मरीजों की मौत दर्ज हुई, जबकि एक दिन पहले 354 लोगों की मौत हुई थी। महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कोविड-19 के मामलों और मौतों में उछाल डरा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM ने कोविड-19 की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। NIDM की रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर तक तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंच सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 34,169 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 3,25,12,366 हो गई है। इनमें से 4,35,758 की मौतें हुई हैं, जबकि 3,17,54,281 लोग बीमारी को हराने में कामयाब रहे। फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 3,22,327 है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन की 59,55,04,593 डोज लगाई जा चुकी है।